जयराम ठाकुर जी अभी उन्होंने जनता को संबोधित किया और बहुत सारी घोषणाएं की हैं। हेलो गाइस, तो चंडीगढ़ से मैं आ गया वापस और जैसे ही मैं घर पहुंच रहा था सुबह मैं 4:30 बजे पहुंचा अपनी जो मार्केट है और वहां से जब मैं पैदल आ रहा था अपने घर आ रहा था रास्ते में मुझे बहुत सारे कुत्ते मिले और वो मुझ पे भौंक रहे थे और बाद में ऐसा हुआ वो मुझे दौड़ाने आ गए कुत्ते और मैं ऐसा किया मैंने किसी के गेट में चढ़ गया, किसी घर के गेट में चढ़ा और वहाँ अंदर और कुत्ता था और वो भी भौंक रहा था। उसके बाद जो घर वाले थे वो बाहर आए, उसके बाद उन्होंने डंडे डंडे लाए, उसके बाद हमने उन कुत्तों को दौड़ाया, उसके बाद मैं वापस आ गया। तो गाइस एक चीज़ मैं चंडीगढ़ में भूल गया यार, मैं चंडीगढ़ तो गया लेकिन मैं अपना लैपटॉप ये इसको घर पे ही भूल गया, इसे मुझे बनाना था। ये देख सकते आप लैपटॉप ही काम करना मेरा बंद कर रहा है, इसको मेरा पासवर्ड इसमें लग नहीं रहा है, मतलब लैपटॉप तो ठीक है लेकिन इसमें ये देखो ये अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो टाइप नहीं हो पा रहा है, देखो ये कुछ टाइप नहीं हो पा रहा है। तो गाइस मैं मुझे ये रिपेयर करना पड़ेगा, देखिए भला अगर मैं मुझे पहले याद रहते या तो मैं चंडीगढ़ से भी इसे बना के लाता और सस्ता ही पड़ जाता, लेकिन अब मुझे यहीं पे बनाना है कुल्लू में कहीं पे, मुझे देखना है कि कहाँ पे ये रिपेयर हो जाएगा, अगर रिपेयर नहीं हो तो गाइस मेरे लैपटॉप तो बेकार हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं रास्ते में जापानी के पेड़ लगे, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जापानी के पेड़ होते हैं और किस तरह से इनकी रखवाली करनी होती है। इसमें बाहर से नेट लगाइए ताकि चिड़िया ना खाए, इसलिए पूरा कवर करना पड़ता है पूरे पेड़ को, यानी कि 4-5 साल में ऐसा रेडी हो जाता है। बहुत सारे पेड़ यहाँ पे जापानी के, यहाँ पे एक शॉप है कंप्यूटर की जहाँ से मैंने लैपटॉप लिया था और ये वाला कीबोर्ड मुझे दे दिया यहाँ पे और इससे काम चल रहा है मेरा। वैसे ये कह रहे कि पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा ये 5,000 का पड़ेगा और ये सस्ता मिल रहा मुझे अगर एडिशनल लगाना है इसमें। यहाँ पे स्क्रू डाल दिया और इसमें मैं कीवर्ड इसके जो नया लगाने वाला हूँ क्योंकि वायरलेस लगवाऊँ मैं, अगर इसको मैं चेंज करूँ तो 1600-1700 का पड़ेगा और इससे अच्छा मैं नया लगवा दूँ इसमें, तो मैं इसमें वायरलेस लगाने वाला हूँ, कीबोर्ड भी और माउस भी लगाने वाला हूँ, वायरलेस दोनों लगेंगे। तो अभी मैं शाम को ले जाऊँगा, अभी मैं इसको यहाँ पे अपना लैपटॉप मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है और शाम को मैं ले लूँगा यहाँ से लैपटॉप और इसमें मैं वायरलेस कीबोर्ड और माउस लगाने वाला हूँ। तो गाइस अभी मुझे भूख भी लगी है और यहाँ पे कुल्लू में एक बहुत ही स्पेशल शॉप है जहाँ पे मैं बहुत सालों से सिड्डू खाने आ रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशल सिड्डू बनाए जाते हैं यहाँ पे, यानी कि मैं अपने कॉलेज टाइम से यहाँ आ रहा हूँ, बहुत ही फेमस है और अब भी भैया यहाँ पे बहुत ही सिड्डू बनाते हैं। तो यहाँ पे शॉप में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मेरा सिड्डू यहाँ पैक हो रहा है। तो भैया आपके सिड्डू बहुत ही स्पेशल होते, क्या खास होता है आपके सिड्डू में? नहीं बहुत टाइम से मैं ना आपके सीडू में जो टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मतलब डिफरेंट है थोड़ा, ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं, अखरोट वगैरह जो होता है वैसे ही बेसिक है जो। हां जी हां जी सिस्टम है वो सही। हां जी हां जी ट्रेडिशनल जो है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे यह सेटअप है और यहां पे मैंने अपना सीडू रख दिया, तो चटनी भी अभी लाएंगे, चटनी यहीं पे ना अच्छा ठीक है, ये चटनी है और ये अखरोट की चटनी जो भूल गए थे ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बैठने के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, अगर आप कुल्लू में कहीं हैं तो आप आ सकते हैं शॉप में। तो अभी पहले मैं टेस्ट करता हूँ सिड्डू क्या है खास सिड्डू में, सबसे पहले यहाँ पे चटनी डालता हूँ मैं, तो गाइस ये टेस्ट कर रहा हूँ मैं सिड्डू, बहुत ही खास है ये जो चटनी है ना, अखरोट की चटनी बनाई है। अभी मैं 3 साल बाद यहाँ सिड्डू खा रहा हूँ, लगभग 2 या 3 साल बाद, तो जो इसका टेस्ट ना पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया, तो बहुत ही ऐसा टेस्ट है। तो अभी मैं खा लेता हूँ पहले। तो भाई जब मैं चंडीगढ़ में पेंट अल्टर कर रहा था तो मैं एक्चुअली में जो मैंने पेंट पहनी थी वो अल्टर करना भूल गया था, जो मैंने नई पेंट ली थी दोनों अल्टर कर ली, तो अभी मैं यहाँ पे कुल्लू में अल्टर कर रहा हूँ अपनी पेंट को। तो यहाँ भी एक भाई साहब है, शॉर्ट लाइट कितनी है इसकी पेंट की भाई? 39 कर दो, दिखा दो कैसे क्या। हाँ दोस्त ये काम अच्छा किया इस बंदे ने। गाइस अब मेरी पेंट कुछ इस तरह से हो गई है, आप देख सकते हैं अच्छा काम किया इस बंदे ने, तो ये दोस्त इसने काम किया है मेरा, तो थैंक यू यार अच्छा किया तुमने। तो गाइस अभी मैं वहाँ से फ्री होके अभी आ गया और अभी पहुँच गया मैं ढालपुर में, और मैं आपको बता दूं कि आज ढालपुर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों की एग्जीबिशन लगी है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रास कटर लगा है और टीलर भी यहाँ पे, तो ये ग्रास कटर मैंने लिया है जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट वाले ब्लॉग में,
तो यहाँ पे इसके प्राइस 15,000 से 20,000 तक है, तो मैंने तो 8-9,000 में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बगीचा दिखाया था एक जापानी का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जापानियाँ लगी हुई है, अलग अलग टाइप की जापानियाँ यहाँ पे, और अनार भी है, एप्पल्स भी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है यहाँ पे, रेड रॉयल डिलीशियस साइज अच्छा इसका। बाकी भाई एक फोटो चाहिए अपने साथ तक, वर्षों से साथ चलते हैं ऐसा, तो बीच में एक दौर आ गया है, इस दौर को मुझे लगता है कि अब यहाँ निवास बदलना चाहिए और साथ चल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है उसको मजबूत करने के लिए। यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अभी उन्होंने जनता को संबोधित किया और बहुत सारी घोषणाएं की हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मंच पे हैं और यहाँ पे लोग अभी जा रहे हैं अपने घर की ओर, बाकी मीडिया के लोग यहाँ पे थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जयराम ठाकुर जी, एक मिनट एक और घोषणा होने जा रही है अभी, तो मैं प्रेस क्लब खोलने के लिए आपने बनाना क्या भवन बना रहे हैं की बात करें तो राज जानते को ठाकुर साहब अब जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए थे कुल्लू में, उससे पहले इनका प्रोग्राम बंजार में था और अभी कुल्लू में ही है। हर क्षेत्र में हमने कहा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है सैकड़ों करोड़ रुपये के उद्घाटन नहीं करना चाहिए, अरे उद्घाटन और शिलान्यास की रस्म ही नहीं हुई, जमीन पर खड़े हुए हैं, अगर उद्घाटन हो रहे हैं तो जमीन पर काम हो रहे हैं तभी उद्घाटन हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का काफिला भी निकल गया भुंतर की ओर, और वहाँ से उनकी फ्लाइट होगी हेलीकॉप्टर में जाएंगे वो शिमला की ओर। तो गाइज ये था आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।